लग रहा है, खुशी भी हो रही है। दो साल की बहुत बड़ी मेहनत से यही जो फिल्म रिलीज हुई है, इसका भी बहुत अच्छा लग रहा है। यशराज फिल्म्स ने भी इसके फिल्म के पीछे बहुत मेहनत की है, तो हम पूरी टीम यहाँ पे हैं, तो एक एक भाईचारे की और एक साथ की फीलिंग है, और लग रहा है कि कुछ मतलब हमने अचीव किया। और मेरे को इतना पता है कि तितली इंडिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेब्यूज में से एक होगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हिंदुस्तान के सबसे अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं, और ये तितली फिल्म आप सब देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई। मैंने प्रोड्यूस किया सर, जो भी देखिए, ये प्रोड्यूस भी घटिया फिल्में नहीं करते हमारी तरह, हम भी तो ठीक ही प्रोड्यूस करते हैं भाई। जब मैंने इनको फ़ोन किया कि विनोद जी हम तितली स्क्रीनिंग करें, मैंने कहा कि मैं ज़रूर आ रहा हूँ, क्योंकि इस तरह की फिल्मों से ही विनोद जी की शुरुआत हुई। और जब भी मुझे कुछ दुख होता है तो मैं विनोद जी को फ़ोन करता हूँ, विनोद जी कहते हैं तेरे को क्या दुख हो रहा है, मैं तेरे को बताता हूँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये दुख तो कुछ भी नहीं है। और मतलब बनता है तितली ऐसी फिल्म है जो अगेन यशराज प्रोड्यूस कर रहा है, और अच्छी बात है कि यशराज किस तरह की फिल्मों को प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैंने कहा कि यशराज के बाद एक और कॉन्टेंट बेस्ड एक बजटेड फिल्म है, और कॉन्टेंट बेस्ड फिल्म है, और दिवाकर बैनर्जी हेल्प कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स में, और ऐसी फिल्मों को बिल्कुल प्रोत्साहन देना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिनेमा की ग्रोथ के लिए ऐसी फिल्में बहुत जरूरी है, और काफ़ी ट्रेलर इंटरेस्टिंग है, आई एम श्योर पिक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत खुश हूँ, आपने बुरा लोग तरसते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भी, और आज हमारा पहला स्क्रीनिंग है, तो बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ, क्योंकि इंडियन कटाश मैं खुद पहली बार देखने वाली हूँ। और ऑब्वियसली कोई भी इंसान जो भी कोई एक्टर बनना चाहता है या बचपन से जो भी ये सपना देख लिया होता है, सबको लगता है कि एक दिन तो हम यशराज का फिल्म करेंगे, और जब आपको चांस मिलता है कि आपका पहला ही फिल्म यशराज का हो, तो ऑब्वियसली ये तो इट्स मोर देन अ ब्लेसिंग।